मंत्री और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई बहस, हवाई अड्डे पर रहा अफरा तफरी का माहौल। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने संभाला 27वें वायुसेना प्रमुख के तौर पर चार्ज, आरके भदौरिया की ली जगह। जम्मू कश्मीर में युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए प्रशासन की पहल, सेना में जाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण देने का किया इंतजार। अरुणाचल में गांव वालों के साथ अथिरके किरेन रिजिजू वीडियो हुआ वायरल, पीएम मोदी ने की तारीफ। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर लगी रोक, 15 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा की तरफ से चलाए जा रहे बूथ संपर्क अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पहुंचे। सिद्धार्थनगर में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने लोगों से जनसंपर्क किया। इस अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता हर शक्ति केंद्र के हर बूथ पर घर घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों और स्थानीय जो विकास के काम हुए हैं उन कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार रहे और जो स्थानीय विधायक हैं इन सबको भी आशीर्वाद मिले। इस अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता हर शक्ति केंद्र के हर बूथ पर घर घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों और स्थानीय जो विकास के काम हुए हैं उन कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार रहे और जो स्थानीय विधायक हैं। वहीं गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने गोरखपुर मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार जब से बनी है तब से पुलिस की बर्बरता के मामले इसी तरह से सामने आ रहे हैं। कहीं रास्ते में रोककर पुलिस किसी को गोली मार देती है तो कहीं पीट पीट कर हत्या कर देती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से लेकर अब तक जब सरकार बनी थी लखनऊ के ही शहरों में एक पुलिस वाला रोक के एक आदमी गोली मारता है, तब से अगर देखें तो ये ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया है, कहीं के पुलिस वाले मिट्टी तेल डालकर लाश उला देते हैं, कहीं पर सरकारी तंत्र को अपराध करने मदद करते हैं। ये यही पुलिस है जिसके सामने फिरौती वाला फिरौती की रकम लेकर फरार हो जाता है, तो जिस सूबे का मुख्यमंत्री मारने की ठोकने की पीटने की बात करता है कहीं ना कहीं पुलिस प्रेरित होती है और कानपुर के व्यापारी को होटल चेक करने के नाम पर गोली मारकर या पीट पीट कर हत्या कर देती है। तो मुझे लगता है जैसा मुख्यमंत्री उसकी वैसी पुलिस, ये उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का गुंडा राज है जिसे उत्तर प्रदेश की जनता पिछले साल। वही चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है और चुनावी मैदान में कई दिग्गज नेता भी उतर गए हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में AIIMM चीफ ओवैसी पहुंचे थे, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के घर पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। शिवपाल यादव के घर पर हुई इस बैठक को लेकर AIIMM के चीफ का बयान भी सामने आया है, तो आप भी सुनिए AIIMM के चीफ ने क्या कुछ बयान जारी किया। हम दोबारा हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात होगी और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे, और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई है। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी एक 8-10 दिन में। वही कानपुर शहर में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की लखनऊ कानपुर हाईवे पर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि राजा भैया के आगमन को लेकर वहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि इसके बाद जनसंपर्क यात्रा में शामिल होने जा रहे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राजा भैया ने कहा कि जनसेवा का संकल्प जनता तक पहुंचाना है, इसके लिए जनसंकल्प यात्रा निकाली जा रही है।
वहीं रायबरेली के तहसील महाराजगंज क्षेत्र में ग्राम पंचायत कोटवा मदनिया के मुख्य मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। नया नाला उफान होने के कारण जल स्तर बढ़ चुका है, कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी कई सालों से अधिक बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बनती रहती है। इस बार बारिश की वजह से लगभग 15 दिनों से गाँव से निकलना लोगों का दूभर हो चुका है। रायबरेली में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिला प्रशासन की ओर से अमृत क्रीड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। अमृत क्रीड़ा महोत्सव के तहत जनपद स्तर पर 21 से 23 अक्टूबर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच दिया जाएगा। त्रिस्तरीय प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित होंगी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों प्रतिभाग करेंगे। बता दें कि इन प्रतियोगिताओं में बिरला और NTPC दो कंपनियां स्पॉन्सर करने वाली है। देश होगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जो भी क्रीड़ा के संबंध में जो बच्चे आगे आना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इसमें न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जनपद स्तर पर वही सहारनपुर के बेहट SHO किरण पाल सिंह का एक ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में पूजा नाम की महिला कारोबारी जो कि एक मुकदमे में वादी है, उसके लिए SHO बेहद अभद्र शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूजा नाम की एक महिला स्टोन क्रेशर कारोबारी है और उसने कुछ दिन पहले अपने 3 पार्टनर के खिलाफ बेहट थाने में अभद्रता, मारपीट, जबरन छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना है कि पार्टनरशिप का हिसाब किताब करने जब वो तीनों के पास गई तो तीनों ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था। पीड़िता ने CM व UP पुलिस को ट्वीट भी किया है। इसके बाद गुस्साए SHO बेहट ने पीड़िता के एक परिचित को कॉल करके पूजा के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही, जिसका ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। एक पूजा नाम की महिला है और उनके साथ एक प्रवेश नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक स्टोन क्रशर में बतौर पार्टनर है और इनके अपने पार्टनर जो इनके पुराने 3 साथी थे उसी स्टोन क्रशर में, जो इनके पहले पूर्व में पार्टनर थे, उनके साथ स्टोन क्रशर पर इनका झगड़ा हुआ था, जिस पर कि अगर जो ये महिला है पूजा, इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था मारपीट और छेड़छाड़ का। उसी मुकदमे को लेकर इन ये जो है वो ये गिरफ्तारी के लिए जो है प्रयास कर रही थी, जिस पर कुछ बातचीत का वीडियो ऑडियो इसमें वायरल हुआ है, जिसमें कि प्रवेश और इंस्पेक्टर। वही सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की पहली कार्य समिति की बैठक हुई। ये बैठक चुरक मंडल में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष यादवेंद्र दत्त द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि जिले के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष दिलीप चौबे कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अनिल सिंह, जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश पांडे समेत सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वही लखीमपुर खीरी में 4 साल पहले बाढ़ की त्रासदी में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को आज तक अपना आशियाना नहीं मिल सका है। बता दें कि शारदा नदी में हर साल बाढ़ भयंकर तबाही मचाती आई है। नदियों के आसपास के गांव के मकान और सैकड़ों एकड़ किसानों की खेती नदी के आगोश में समा जाती है, जिससे लोग ऊंचे स्थानों पर सड़क के किनारे बंधे पर रहने को मजबूर होते हैं। पिछले 4 साल पहले बाढ़ कटान से पीड़ित आज भी मिलपुरवा बंधे पर झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। यहाँ पर जैसे पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, उन लोगों को ये सरकार जब अभी इस साल में भी कटे हैं, उनको जगह मिल गई रहने के लिए, मगर हम लोग जात के मुस्लिम ठहरे इसीलिए तो हम लोगों को जगह नहीं मिल रही। हम लोगों का घर, मकान, खेती बाड़ी सब कट के चले गए नदी में। हम लोग यहाँ रोड पे पड़े हुए हैं और ना हम लोग को सरकार देख रही है, हम लोग ऐसे ही पड़े रहे, ना हम लोग के पास खाने के पैसे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा व्यापार सभा प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लोग एकजुट हुए। जनपद के व्यापार मंडल के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले को लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश देखने को मिला। व्यापारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। जघन्य अपराध पुलिस ने किया है, होटल से पकड़ करके मनीष गुप्ता की हत्या कर दी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी
समाजवादी पार्टी, व्यापार सभा समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उसको न्याय मिलना चाहिए तथा इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा उसके परिवार वालों आश्रितों को उतनी उनकी पत्नी को नौकरी मिलना चाहिए और कम से कम 1 करोड़ रुपए उसको मिलना चाहिए। सरकारी तंत्र ने जिस तरीके से एक व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर जो कानपुर के निवासी थे गोरखपुर में हत्या कर दी गई है उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग मांग करते हैं उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद की जाए और एक सरकारी उनको। सुल्तानपुर में सपा विधायक अबरार अहमद की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी को लेकर क्षत्रिय महासभा के लोगों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अबरार अहमद के फोटो पर कालिक पोत कर उनका पुतला जलाया गया। इस दौरान क्षत्रिय महासभा के सपा विधायक को मानसिक रोगी बताया गया और अखिलेश यादव से की गई मांग पर कहा गया कि इसौली विधायक अबरार अहमद को तत्काल समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाए। देखिए सुल्तानपुर के जो विधायक हैं इसौली से उन्होंने कल एक बयान दिया कि क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो चोर हैं, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है विधायक का और उनके मुंह पर कालिक पोती है और हम लोग समझते हैं कि ऐसा जो विधायक जो इस तरीके का बयान दे रहा है वो मुझे लगता है मानसिक रोगी है, उसे पहले अपने इलाज कराना चाहिए और अखिलेश यादव जी से हमने मांग की है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी। वही सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र में चोरों ने कोर्ट का ताला तोड़कर दस्तावेज चोरी कर लिए। जानकारी के मुताबिक पता चला कि चोर ताला तोड़कर दस्तावेज निकाल कर ले जा रहे थे तभी स्थानीय लोगों ने वार्ड नंबर सदस्य अजीत गुप्ता को मामले की सूचना दी। ये कुछ लोग कोर्ट का ताला तोड़कर दस्तावेज अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वार्ड सदस्य मंजू गुप्ता और उनके सहयोगी सुरेश चौरसिया के साथ अन्य लोगों ने मिलकर दस्तावेजों को बचाया और एक चोर को धर दबोचा। वार्ड सदस्य अजीत गुप्ता ने शालीनता के से काम लेते हुए पेपरी थाना इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह को मामले की सूचना दी, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम को भी सूचना दी गई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।